आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से हमें एक औपचारिक निमंत्रण आया है भाई अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से, उनको उपराज्यपाल की तरफ से न्योता आया है कि हम कल 10:30 बजे वो उनके पास जाएं और उनसे सरकार बनाने के बारे में बातचीत करें। हम उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करते हैं, कल सुबह अरविंद भाई उनसे मिलने जाएंगे, हालांकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है, कल सुबह उनसे मिलने जाएंगे और उनके पास अपनी स्थिति को रखेंगे। हम अपनी स्थिति को बार बार स्पष्ट कर चुके हैं, हमारे पास बहुमत नहीं है, ना ही हम सदन में पहले स्थान पर आए हैं। इस परिस्थिति में क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो रख के हम उपराज्यपाल के पास बातचीत करेंगे, उन्हें बताएंगे कि लेन देन की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति ये आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं है। हमें संतोष है कि आम आदमी पार्टी के आने से थोड़ा असर दूसरी पार्टियों पे भी पड़ा है, जिन्होंने बाहर के राज्यों में जोड़ तोड़ की न जाने किस किस कह रहे हैं कि तिकड़मों की राजनीति की थी, वो दिल्ली में राजनीति करने से बाज आए हैं, ये हमारे लिए संतोष का विषय है। तो हम सारी परिस्थिति राज्यपाल के सामने रखेंगे और प्रयास करेंगे कि उन्हें अपनी तरफ से एक लिखित प्रतिवेदन दें, और जैसे ही उनको देंगे हम पूरी प्रेस के सामने वो लिखित प्रतिवेदन पेश करेंगे। योगेंद्र जी, किन विकल्पों पे विचार हुआ है? अगर विचार हुआ है तो किन विकल्पों पे विचार हुआ है? विकल्प क्या आपने निकाला है? क्या मिडिल वे निकालने की कोशिश की गई है? मैं आपसे एक अनुरोध करूं, उपराज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उन्होंने हमें कहा है कि आइए बातचीत कीजिए, हम एक चिट्ठी लेके उनके पास जाएंगे, और मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है कि संवैधानिक अथॉरिटी को चिट्ठी जारी करने से पहले, उनसे मिलने से पहले चिट्ठी का मसविदा हम आप साहब के सामने डिस्कस करें। उनके देने के बाद उनकी एक मर्यादा है उपराज्यपाल के पद के गरिमा की, हम जैसे ही चिट्ठी उनको देंगे उसके बाद वायदा है आपसे आके बात करेंगे, आपको उस चिट्ठी की प्रति देंगे। इस बीच खामखा अटकलबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, जो बुनियादी सिद्धांत हैं हमने बार बार आपके सामने रखे हैं, हम लेन देन की राजनीति में विश्वास नहीं करते, टिकड़म की राजनीति नहीं करते हैं, और हमारे बुनियादी सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 3 महीने से बार बार हमने बोला है, उसी के खांचे में हम रहेंगे। सर, क्या सरकार